आज हम लोग बात करेंगे कल वाला वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि है सोमानी सेरामिक्स और काजारिया सेरामिक्स के बीच का डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट में और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट में। तो आगे के हम लोग जो भी बात करेंगे आज स्टैंड अलोन बेसिस में काजारिया सेरामिक्स के ऊपर बात करेंगे, और फाइनली लास्ट ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में कौन सा जो स्टॉक है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है। थोड़ा सा हिंट मैं कल भी दे दिया था पिछले वाला वीडियो में, आपका ये वाला वीडियो यहाँ पे जो माउस में क्रॉसर में मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज पार्ट टू वीडियो में इसके में लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वाला वीडियो भी आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग ये भी देख सकते हो, सो दैट आपको सोमानी सेरामिक्स के ऊपर भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज काजारिया सेरामिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक 7024 करोड़ का एक कंपनी है काजारिया सेरामिक्स, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पे आरओसी आपको दिखेगा दैट इज 18.78, और हम लोग जैसे कि कल बात किए थे कि सोमानी सेरामिक्स के हिसाब से आरओसी काजारिया सेरामिक्स का बहुत अच्छा है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए स्टॉक पीई का, और काजारिया सेरामिक्स थोड़ा सा सस्ता वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, तो इसी हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा बिजनेस एक कम वैल्यूएशन कम सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है, दैट इज़ योर काजारिया सेरामिक्स। ओके, तो बाकी सब चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेट जो है 128.13 करोड़, ये बहुत कम है आज कंपैरिजन टू दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसको अगर बात करें तो आपका सोमानी सेरामिक्स के हिसाब से बहुत कम है, राइट। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.07, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और प्लेस परसेंटेज यहाँ पे जीरो है, कोई इसमें डिस्कशन की बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग ये थोड़ा सा कम है आज कंपैरिजन टू डैट सोमानी सेरामिक्स, तो 47.58% है इसका प्रोमोटर होल्डिंग। अगर इसके हिसाब से हम लोग का प्रैक्टिस के हिसाब से बात किया जाए तो जब भी हम लोग का थ्रेशोल्ड जो 50% है प्रोमोटर होल्डिंग उसके नीचे जाता है तो हम लोग बाकी स्टेक होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आप लोग को दिख जाएगा फॉर द लास्ट 13 to 12 ईयर्स, यहाँ पे कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट है आपका प्रोमोटर होल्डिंग। बट FIA होल्डिंग घटा हुआ है और पब्लिक का भी जो होल्डिंग है वो भी घटा हुआ है, बट यहाँ पे जो DIA का होल्डिंग है वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, मतलब हर क्वार्टर में लगभग 1.5% के आसपास बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग को ऐसा प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि FIA होल्डिंग अच्छा है तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा पैसा होता है चाहे जहाँ से भी आए, और हर जगह में एक जगह से दूसरा जगह फ्लो होता है मनी, ये आप लोग को पता है, राइट। तो यहाँ ये हो गया चीज़। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट था अप टू 2017, ओके। उसके बाद थोड़ा सा घटा, फिर और घटा, फिर लगभग वापस आ चुका था जो 2017 के हिसाब से जो था। उसके बाद 177 करोड़ का जो लास्ट 12 महीना का, जो कि यहाँ पे मार्च 2020 तक का रिजल्ट है, और उसके लास्ट 12 महीना मतलब अगस्त से अगर बात करोगे आप लोग तो अगस्त के हिसाब से यहाँ पे कम स्टेक होल्डिंग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लॉकडाउन का इफेक्ट ये सब यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो ये अच्छा वैल्यूएशन आप लोग को मिल रहा है इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग इसमें लंबा टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर फ्री कैश फ्लो की बात करोगे तो 3 साल का फ्री कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिख जाएगा, और 5 साल का भी फ्री कैश फ्लो आप लोग को पॉजिटिव दिख जाएगा। तो आप लोग का कैश फ्लो के सेगमेंट में, कैश फ्लो के प्रॉस्पेक्ट में भी ये कंपनी एक सेफ कंपनी है, और डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 0.68% है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो हम लोग सीधा चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो टेक्निकल चार्ट का आज मैं बात कर रहा हूँ 11th of September का। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश, एक बुलिश रिवर्सल ट्रेंड में आ गया है, करेक्ट। और यहाँ पे 1 वीक के बाद किया जाए तो सेम सिचुएशन आप लोग को लगभग देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया हुआ है और यहाँ पे टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लंबा कंसोलिडेशन फिर से चल सकता है। ये वाला जो कंसोलिडेशन था थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रह सकता है फॉर द 3 to 4 वीक्स।
तो इसमें आप लोग को देखने वाली बात है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत अच्छे होने वाला है। और यहाँ पे भी वन मंथ के हिसाब से थोड़ा उछाल दिखाया था, और उछाल दिखाने के बाद यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एक वेट एंड वॉच रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आप लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगा जब भी ये ब्रेकआउट होगा, राइट। अगर आप लोग जुड़े नहीं हो तो एक बार जुड़ जाइए, सो दैट आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन इसको लेके, काजरिया सेरामिक्स को लेके ज़रूर आप पोस्ट के द्वारा मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म व्यू के बात किया जाए फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो भी है यहाँ पे छोटा सा रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ था, करेक्ट। और जो कि मैं 220 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक रिवर्स ट्रायंगल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है विथ अ गुड इंटेंसिटी, गुड आपका वॉल्यूम, तो एक ये अच्छा स्टोरी बनने वाला है, कंप्लीट मल्टीवेगर ग्रोथ स्टोरी बनने वाला है। बिकॉज इसका जो ग्रोथ है, पहले पास्ट ग्रोथ है, वो 45 डिग्री स्लोप में आया हुआ है। तो ये भी हम लोग आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ये एक हम लोग का, हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म एक फॉल है, करेक्शन था, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा अच्छा खासा काजरिया सेरामिक्स के ऊपर मल्टीवेगर पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, करेक्ट। और ये भी आप लोग को मैं अपडेट कर दूंगा साथ ही साथ। और यहाँ पे जो हम लोग का सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, सबसे हम लोग को सीखने वाली पैटर्न होता है, डैट इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसके हिसाब से मैं हम लोग को बात किया जाए तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका लाइन, इसका जो बॉटम पॉइंट है और यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है उसका भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग को एक चीज़ दिख जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं फिर से मैं ड्रॉ करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिख जाएगा कि यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट तो मिला था हम लोग को, करेक्ट। और ये वाला जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये जो ब्रेकआउट है और ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसके साथ वॉल्यूम भी सपोर्ट में था, बट बैड लक यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, फिर वापस इसी रेंज में आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे जो ये वाला जो अपर रेंज है इसको टच करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। तो ये वाला जो लेवल है, अगर मैं थोड़ा सा मार्जिन के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ पे जो लेवल है 470 के आसपास का एक लेवल आप लोग को दिख सकता है, 470 का लेवल। और यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को दिखेगा सेम लेवल। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे जो अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट से मैं सीधा लोअर प्राइस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट। एक सेकंड, मैं फिर से कर रहा हूँ आपको आपके सामने। तो यहाँ पे मैं किया और लाया मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे मैं किया एक्सटेंड, ओके। तो यहाँ पे मैं छोड़ दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप लोग को यहाँ पे 477 लगभग 7 रुपये के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे वो वाला चीज़ भी, ये वाला जो लेवल है उसको टच करने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। और नीचे की तरफ जो आने वाला है जो 411 जो आप लोग सोच भी रहे होंगे, तो उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर इस ये वाला लेवल को तोड़ेगा तब तो नीचे आएगा, लेकिन ये वाला लेवल ज़्यादा तोड़ने के लिए कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग्स हुआ था बहुत पहले, अगर आप लोग बात करोगे तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा गैप डाउन ओपनिंग, करेक्ट। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे भी आप लोग को एक गैप डाउन ओपनिंग दिख जाएगा। तो ये दोनों अगर गैप डाउन ओपनिंग को कंप्लीट करने के लिए आएगा, ज़रूर तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, तो आप लोग 575 का लेवल, मतलब यहाँ से लगभग 100 रुपये के ऊपर, 150 रुपीज़ के आसपास, 150 रुपये के ऊपर एक उछाल दिखा सकता है विद इन 3 to 4 months। यह मैं आपको बता देता हूँ कि 4 months के बीच में आप लोग को एक 100 से 150 रुपये का उछाल आराम से देखने के लिए मिल सकता है, करेक्ट। तो ये वाला जो चीज़ है आप लोग को ध्यान में रख के काम जरूर करना चाहिए, ओके। और यहाँ पे सबसे आखिरी बात जो कि हम लोग का एक सबसे जो बोलते हैं कि कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज़ बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बना हुआ है हायर लो, और इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम के हिसाब से बना हुआ है एक लोअर लो, जो कि एक आप लोग को दिख सकता है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आप लोग को एक उछाल दिख सकता है, मैं आज बात कर रहा हूँ 11th of September में। तो ये वाला उछाल भी आप लोग ग्राब कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा
कमा सकते हो। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है, बट इन द केस ऑफ द वन वीक एक शॉर्ट टर्म आप लोग को दिख सकता है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग है रेड हुआ है और ये वाला जो है ओवर बॉट जोन में है, तो ये वाला एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट में। तो हम लोग को हमेशा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ये वाला इसमें आपका 431-432 ये वाला का आपका जो लेवल है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये था आज का जो काजारिया सेरामिक्स के ऊपर जो बात, और इसी हिसाब से बात किया जाए कल का वीडियो अगर आप लोग देखोगे और आज का वीडियो जो है अगर कंपेयर करोगे तो आप लोग को कंप्लीट पता चल जाएगा कि काजारिया सेरामिक्स एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ओपिनियन भी है, और आपके सामने में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस दोनों भी रखा हूँ। अगर आप लोग खुद भी कंपेयर करना चाहते हो तो दोनों वीडियो आप लोग देख के आराम से कंपेयर कर सकते हो और खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, सो दैट आपका भी नॉलेज बढ़े और आप लोग का इन्वेस्टमेंट भी सही डायरेक्शन में हो। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस, दोनों पार्ट का आज ही खत्म हुआ। मेरा एक कोशिश था कि कंपेरिजन के हिसाब से एक मतलब एक दो पार्ट में वीडियो होना चाहिए। ये वाला वीडियो कैसा लगा, ये वाला सीरीज कैसा लगा, दो वीडियो वाला जो सीरीज था छोटा सा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, ऐसे ही आप लोग के साथ बहुत अच्छा एक सेगमेंट के ऊपर, एक सेक्टर के ऊपर दो तीन स्टॉक कंपेयर करके तीन दिन चार दिन में आप लोग के सामने लाता रहूँगा, और आपके सामने एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस रखना मेरा एक मकसद है। मेरा उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा, ये वाला सीरीज अच्छा लगेगा। और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ज़रूर ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।